अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपको हमारे चैनल में कुकिंग विद फातिमा सनाशा। कैसे हैं आप लोग? और आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। इसके लिए हमने गोश्त लिया है 1 किलो, दाल आधा किलो, लाल मोटी मिर्चें 12 से 13 अदद, ज़ीरा आधी चाय की चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, प्याज 2 से 3 बारीक कटी हुई, हरी धनिया की कट्टी, अदरक साबुत 1 छोटा टुकड़ा और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, और कुकिंग ऑयल तलने के लिए कबाब। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोटी वाली शामी कबाब है ये। अक्सर शामी कबाब बनते हैं सीमे के, लेकिन ये हैं बोटी वाले शामी कबाब, बहुत मज़ेदार बनते हैं माशाल्लाह से। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गोश्त उबालने को रखेंगे और इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ज़ीरा शामिल करेंगे, लाल मोटी मिर्ची शामिल करेंगे और ये गरम मसाला शामिल करेंगे। पानी शामिल करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए और दाल चने की हम थोड़ी सी देर के लिए भिगो देंगे। चेक कर लेते हैं अब हम इसको। ये देखें, ये गोश्त पक रहा है, सारा मसाला डाला हुआ है इसमें। अब हम शामिल करेंगे इसमें ये दाल चने की जो मैंने भिगो के रखी हुई थी, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पानी शामिल कर देंगे। चेक कर लेते हैं अब हम। दाल गल चुकी है और यह गोश्त भी गल चुका है। अब हम सब पीस लेंगे ताकि थोड़ा सा इसका पानी वॉश कर लें ज़रा। ये कबाब आप लोग बनाएं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। रोटी शामी कबाब रेडी है ये। अब ये थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाए तो मैं इसको पीस लूंगी। जब तक ये ठंडा होता है मैं बनाती हूँ चटनी रायता, उसके बाद मैं पीसती हूँ इसको। ठंडा हो चुका है ये, अब इसको मैं पीस लेती हूँ। और चटनी तो मैंने बना के रख दी है, रायता बनाना है बस। अब तो शुरू करती हूँ इसको पीसने।
सारा पिस्तू का रोटी कबाब का मसाला, और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये सब प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया। शामिल करेंगे अब इसमें हरा धनिया बारीक काट लिए, और ये अंडा मिक्स करेंगे इसको। मसाला सारा रेडी है, अब बनेंगे इसके कबाब। कबाब फ्राई करते हैं हम। देखिए मज़ेदार बोटी कबाब, बोटी शामी कबाब हमारे तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छी शक्ल आई है माशाल्लाह से, और आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करें इसी मेथड से। कैसी लगी आपको आज की हमारी डिश अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो मेरे साथ में रखी है हरी चटनी और रायता, हरी चटनी लीमू की है, अपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएँ कैसी लगी आपको आज की हमारी डिश। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। मिलते हैं डिश के साथ, तब तक के लिए फातिमा जाना शाह को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।